दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। उनका जीवन बेहद प्रेरणादायी है। तमाम किस्से हैं उनके जीवन से जो हमें संदेश देते हैं, त्याग का, बड़े से बड़े त्याग का, प्यार का, मोहब्बत का। हम सब जानते हैं किस तरह से अपने पिताजी के एक आदेश के ऊपर, अपने पिताजी के कहने पे अपना तमाम राजपाट त्याग करके वो वनवास चले गए। कल सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था। अयोध्या के अंदर तमाम तैयारियां कर ली गई थी। सभी अयोध्यावासी हर्षोल्लास में झूम रहे थे। सभी अयोध्यावासी बहुत खुश थे कि कल सुबह भगवान राम अयोध्या के राजा बनेंगे। सब लोग तैयार थे। अचानक शाम के वक्त भगवान राम का के पास संदेश आता है कि दशरथ जी आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। भगवान राम दशरथ जी के कमरे में जाते हैं। वहां देखते हैं कि दशरथ जी बहुत दुखी मन से बैठे हैं। माता कैकेयी उनके पास है। कमरे में घुसने के बाद माता कैकेयी उनको बोलती है कि महाराज ने मुझे दो वर दिए हैं और मैंने उनसे वो दोनों वर मांगे हैं। पहला वर कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा, और दूसरा वर कि उनकी जगह भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। मैं सोच रहा था कि अगर आज का परिप्रेक्ष्य होता, आज का माहौल होता, पूरे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ थे, पूरे अयोध्यावासी भगवान राम को प्यार करते थे, अगर भगवान राम कहते मैं नहीं मानता, पूरी अयोध्या भगवान राम के साथ खड़ी होती। लेकिन भगवान राम तो भगवान थे, उन्हें किसी राजपाट से मोह नहीं था। उन्होंने माता कैकेयी को और महाराज दशरथ को कहा कि महाराज, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आपके वचन का पालन होगा। उन्होंने 2 मिनट के अंदर निर्णय लिया कि वो राजपाट नहीं संभालेंगे और 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, बिना किसी गम के, बिना किसी दुख के, चेहरे पर मुस्कान के साथ भगवान ने उनसे विदा ली और खुशी खुशी 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। इससे हमें सीख मिलती है कि अपने मां बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें निर्मोह भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें किसी तरह का त्याग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक तरफ भगवान राम जब वनवास के लिए गए, उस वक्त भरत अपनी नानी के घर गए हुए थे, वो अयोध्या में नहीं थे। जब भरत लौट के आए और उन्हें पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने महाराज दशरथ को कह के भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया,
भरत से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। भरत जी पीछे पीछे उनके वनवास गए और वन में महाराज राम को ढूंढ के, भगवान राम को ढूंढ के उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि ये राजपाट है भगवान, ये राजपाट आपका है, ये मेरा नहीं है, आप वापस चलिए और वापस चल के राजपाट संभालिए। भगवान राम कहते हैं नहीं भरत, ये राजपाट तेरा है। भरत कहते हैं नहीं भगवान, ये राजपाट आपका है। मुझे लगता है पूरे मानव जाति के इतिहास में इस तरह का सुंदर दृश्य देखने में शायद कभी नहीं मिला होगा। दो भाई लड़ रहे हैं, एक कह रहा है कि ये राजपाट तेरा है, दूसरा कह रहा है ये राजपाट तेरा है। आज के जमाने में दो भाई जब लड़ते हैं, वो कहता है ये जमीन मेरी है, वो कहता है ये जमीन मेरी है। इस तरह से, इस तरह का सुंदर दृश्य पूरे मानव जाति के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला होगा। और उसके बाद भरत भगवान राम की खड़ाऊं लेके वापस आ जाते हैं, सिंहासन पे उनकी खड़ाऊं रखते हैं कि भगवान राम के आदेश पे और उन्हीं के नाम से राजपाट चलेगा। आजकल के जमाने में क्या होता है, एक बाप है, बहुत बड़ा सेठ है, उसके दो बेटे हैं, बाप की मौत हो जाती है, दोनों बेटों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, उनकी जायदाद को लेके, जमीन जायदाद को लेके दोनों बेटों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोनों बेटे अपने आप को भगवान राम का चेला मानते हैं, भगवान राम का शिष्य मानते हैं और दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में, कोर्ट में, कचहरी में, आपस में लड़ रहे हैं दोनों भाई, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। दोनों ने राम नाम का दुपट्टा ओढ़ रखा है। आसमान में अगर भगवान राम बैठे होंगे तो टप टप आंसू बहा रहे होंगे, ये कैसे मेरे भक्त आ गए जो मेरा संदेश भी नहीं मानते। हमें भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में ढालना है, उनके संदेश को अपने जीवन में ढालना है। भगवान राम जाति को नहीं मानते थे, वो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। जब भगवान राम वनवास गए, चारों तरफ बात फैल गई कि भगवान राम वनवास आए हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग उनके दर्शन करना चाहते थे। वन में एक माता शबरी थी, शबरी माता थी, वो ऐसी जाति से आती थी जिसको समाज के अंदर जो छुआछूत से प्रताड़ित थी। माता शबरी छुआछूत से प्रताड़ित थी, वो ऐसी जाति से आती थी, उन दिनों में उसे छोटी जाति कहते थे, छोटी जाति से आती थी। भगवान राम की परम भक्त थी। भगवान राम बड़े बड़े राजाओं को दर्शन देने के लिए उनके महलों में नहीं गए, भगवान राम माता शबरी की गरीब झोपड़ी के अंदर उसको दर्शन देने के लिए गए। और जब भगवान राम माता शबरी को मिलने के लिए जाते हैं, वो इतनी भोली है, इतनी भोली है, वो चाहती है, वो बेर लेके आती है वन से, और वो चाहती है कि वो केवल मीठे बेर भगवान राम को खिलाए। तो वो एक एक बेर निकालती है, उसको पहले चखती है और झूठा बेर टोकरी में रख के महाराज के सामने रख देती है, जो खट्टे बेर है उनको फेंक देती है, झूठे बेर, मां शबरी के झूठे बेर भगवान उठा उठा के खा रहे हैं। लक्ष्मण भगवान राम को कहते हैं कि हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं, ये झूठे बेर हैं। भगवान राम कहते हैं कि इतना अच्छा आहार मैंने आज तक जिंदगी में नहीं किया, कोई मेरा भक्त अगर प्यार से मुझे जो भी खिलाएगा, जैसे भी खिलाएगा, वो मुझे मंजूर है। ऐसे थे भगवान राम, जो जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते थे। आज हमारा समाज जाति के आधार पर पूरा बटा हुआ है।